सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री स कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने विद्यालय में 25 लाख की लागत से होने वाले दो भवन निर्माण का शिलान्यास किया। मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित अन्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास भी लगातार जारी है। कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों में बच्चों के चरित्र निर्माण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एवं अत्याधुनिक जानकारी के साथ शिक्षा दी जाती है। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चे राष्ट्रभक्ति के साथ साथ जिम्मेवार इंसान बनते हैं। मौके पर बतौर अतिथि सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, नगर संघ संचालक विजय जैन, संतोष गुप्ता, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि नरेश बर्नवाल, डॉक्टर रवि महर्षि, रामजी प्रसाद, सीए राकेश कुमार, ब्रिजनंदन प्रसाद, लखनलाल बर्नवाल, प्रकाश सेठ, बबलू गुप्ता, नलिन कुमार सहित विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित थे। माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस 17वीं लोकसभा का सदस्य बनकर एक के बाद एक जो ऐतिहासिक निर्णय इस सदन में हुए हैं, उस सदन में साक्षी बनने का हमें अवसर मिला है। और निश्चित रूप से जिस तरह से भारत नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, आने वाले समय में जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है विकसित भारत का, इस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने चार आयाम तय किए। उसमें सबसे पहला आयाम युवा, दूसरा महिला, तीसरा किसान, चौथा गरीब। और इसी आयाम को आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर 30 वर्षों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, हमारे बच्चे भारत को जाने, हमारे बच्चे मातृभाषा में पढ़े, हमारे बच्चे समझ कर पढ़े, इन सारी चीजों को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। और उसको हमें खुशी हो रही है कि आज इस विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। विद्या भारती की ओर से संचालित विद्यालय निरंतर एक तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय प्रथम को आगे रखते हुए देश के अंदर जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप नित्य नए आयाम गढ़ रहे हैं। इस विद्यालय के माध्यम से बच्चे पढ़कर न सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित करते हैं, बल्कि बच्चे पढ़कर जब बाहर निकलते हैं तो देश का एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान और राष्ट्रभक्त बनकर यहाँ से बाहर जाते हैं। उनके अंदर राष्ट्र के प्रति कूट कूट कर राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर भरी जाती है।